हमने पिछले वीडियो में मोमबत्ती का एग्जाम्पल लेकर निर्वाण शब्द को समझने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम उसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि बुद्ध ने अनात्मा शब्द का उपयोग क्यों किया। जैन तीर्थंकर महावीर और बाकी आत्मज्ञानी मनुष्यों ने आत्मा शब्द का उपयोग किया, जबकि बुद्ध ने कहा अनात्मा। अनात्मा क्या है उसे हम डिटेल में समझेंगे। अनात्मा शब्द को समझने के पहले हमें सबसे पहले आत्मा शब्द को समझना होगा। आत्मा शब्द का अर्थ है मैं। आत्मा शब्द खुद का अस्तित्व है यह दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण, आत्मबोध, मतलब कि खुद का निरीक्षण, खुद का बोध होना। तो आत्मा शब्द आपका खुद का अलग से अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में यह दर्शाता है। आत्मा शब्द दर्शाता है मैं अलग हूँ, सभी लोग मुझसे अलग है, क्योंकि सबकी अलग अलग आत्माएं हैं। लोगों का अलग से खुद का अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में यह दर्शाता है। आत्मा एक स्थायी चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, जो स्थायी है ऐसा माना गया है। दूसरी बात यह है कि आत्मा यानी कि मेरा दूसरों से अलग अस्तित्व यह अहंकार तत्व को जन्म देता है। फिर मैं हूँ तो मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी फैमिली है, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब की शुरुआत हो जाती है। जहाँ कहीं भी हम मानते हैं कि मैं कुछ हूँ, वहीं हम आसपास की चीज़ें हमारी बनाने लगते हैं। यह मेरा धर्म है, वह उसका धर्म है, यह मेरे लोग है, वह दूसरे लोग है, ऐसी बहुत सी बेकार की बातें हम बनाने लगते हैं। यह सभी बेकार की सोच की उपज सिर्फ और सिर्फ अहंकार तत्व है, और उसका कारण है यह मानना कि मेरा खुद का अलग से अस्तित्व है। तो जब बुद्ध से पूछा गया कि आत्मा है या नहीं, उन्होंने कहा तुम अनात्मा हो। अब ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे बहुत से कारण हैं, वो सभी कारण हम लास्ट में जानेंगे। अभी के लिए इतना जान ले कि अनात्मा शब्द से बुद्ध यह कहना चाहते हैं कि वह स्थायी आत्मा में विश्वास नहीं रखते। बुद्ध जैसा व्यक्ति कभी नहीं हुआ। बुद्ध एक एक शब्द को तोल के बोले हैं, वह उतना ही बोले हैं जितना कहा जा सकता है। जो कहा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, अगर समझाने जाए तो सामने वाले लोगों को समझने में भूल होगी ही। ऐसी बातों पर वह मौन रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अनुभव से ही जानी जाती है, उसे कहकर बताने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि शब्द से कुछ चीज़ें समझाई नहीं जा सकती। जैसे कि कोई वस्तु का तापमान ज़्यादा है, यह हम गर्म शब्द का उपयोग करके नहीं बता सकते। अगर किसी को सच में जानना है गर्म शब्द का अर्थ क्या है, तो उसे वह गर्म वस्तु को अपने हाथ में अनुभव करना पड़ेगा, तभी वह गर्म शब्द को यथार्थ में जान सकेगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना था, हम पंच स्कंद के बने हुए हैं। हमने मोम को चार स्कंद कहा था, मोमबत्ती के बीच के धागे को डिजायर्स कहा था, और मोमबत्ती की ज्योत को पांचवा स्कंद विज्ञान का प्रवाह कहा था। मोमबत्ती के बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेने की ज़रूरत है। मोमबत्ती की ज्योत हमें स्थिर और स्थायी लगती है, जैसे कि वह समय के साथ एक ही है, समय के साथ खुद को बदल नहीं रही। लेकिन अगर गौर से देखा जाए स्लो मोशन में, तो ऐसा नहीं है। हर क्षण नई ज्योति का जन्म हो रहा है और पुरानी ज्योति नष्ट हो रही है, और नई ज्योति पुरानी ज्योति का स्थान ले रही है। यह इतनी स्पीड में हो रहा है कि हमें ज्योत स्थायी और स्थिर दिखाई दे रही है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसका नाम रूप स्कंद से बना हुआ शरीर यही छूट जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मोमबत्ती में जब मोम गल जाती है और क्षीण हो जाती है,
लेकिन धागा अभी भी हो तो ज्योत जलती रहती है। हमने अपने एग्जाम्पल में धागे को वासनाएं मानी है। वासनाओं की वजह से ज्योत रहती है और जैसे एक ज्योत के बाद दूसरी ज्योत उसका स्थान लेती है, वैसे ही बुद्धिजन में माना जाता है कि मृत्यु के बाद लास्ट में ज्योत रहती है वह नष्ट हो जाती है और नई ज्योत उसका स्थान लेती है नए शरीर में। जैसे मोमबत्ती नष्ट होने को हो, मोम सारी गल गई, अब सिर्फ धागा जल रहा है, लेकिन आखिरी ज्योत नष्ट होने से पहले नई मोमबत्ती पास लाई जाए और वो नष्ट होती हुई ज्योत नई मोमबत्ती की ज्योत को जला देगी। इस तरीके के पुनर्जन्म को बुद्धिजन्म में माना गया है। निर्वाण का अर्थ सिर्फ इतना है कि कैसे भी करके ज्योत को बुझा दिया जाए, और एक ही उपाय है ज्योत को बुझाने का, वह है वासना रूपी धागे को नष्ट कर दिया जाए। जब धागा ही नहीं बचेगा फिर ज्योत भी नहीं बचेगी। आपने कभी सोचा है कि मोमबत्ती की ज्योत को बुझा दिया जाए तो वह कहाँ चली जाती है? वो अभी तो यहीं थी, उसका अस्तित्व था, लेकिन बुझाने के बाद वह कहाँ चली जाती है? कुछ लोग कहेंगे कि वह नष्ट हो गई, लेकिन इस यूनिवर्स का एक नियम है, यहाँ पे कोई भी चीज़ पैदा नहीं होती ना ही कोई भी चीज़ नष्ट होती है, सब कुछ एक से दूसरे स्वरूप में बदलता रहता है। तो वो ज्योत, उसकी गर्मी यहाँ आसपास के एटमोस्फेयर में घुल मिल जाती है, उसका सिर्फ स्वरूप बदल जाता है, वो उतनी ही मौजूद है जितनी वो पहले मौजूद थी। निर्वाण का भी यही मतलब है कि हम जो थे वह नहीं रहते, हम यह अस्तित्व में एक हो जाते हैं, फिर हमारा कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहता, सब जगह पूरे ब्रह्मांड में हम फैल जाते हैं, जैसे ज्योत बुझने के बाद एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाती है। यही अस्तित्व में एक हो जाना, यूनिवर्स में घुल मिल जाना, हमारा कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहता है कि यह उसकी आत्मा है वह उसकी आत्मा है। इसीलिए बुद्ध ने कहा अनात्मा, यानी कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा खुद का कुछ भी अलग से अस्तित्व नहीं है, तुम आत्मा नहीं, तुम अनात्मा हो। हमारा अलग से अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक हम पंच स्कंद से घिरे हुए रहते हैं। अगर एक साथ बहुत सारी मोमबत्ती जलाई जाए तो वो सबकी ज्योति का खुद का अलग अस्तित्व है, उनका प्रकाश है, उनका अलग से गर्माहट है, ज्योति का आकार भी अलग अलग है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वो पंच स्कंद से घिरी हुई है, इसलिए ज्योति अलग है ऐसा मालूम होता है। अगर सभी मोमबत्ती बुझा दी जाए तो कोई ज्योति अलग है ऐसा आप नहीं कह सकते। वैसे ही जब तक हम पंच स्कंद से बने रूप में हैं हमें लगता है कि हम अलग हैं। बस यही से आत्मा शब्द की शुरुआत हुई। जिन्होंने आत्मा शब्द का उपयोग किया उसके पीछे दो ही बात हो सकती है, एक या तो उन्होंने आत्मा यानी कि ज्योति के आगे के जीवन को देखा नहीं, जीवन को जानने में वह थोड़ा सा चूक गए, या फिर दूसरी बात यह हो सकती है कि उन्होंने लोगों को समझ में आए, लोगों को ये सब समझा सके, इसीलिए आत्मा शब्द का उपयोग किया होगा। गौतम बुद्ध ने सत्य को समझाने के लिए थोड़ा सा भी किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया था, उन्होंने सत्य को जैसा है वैसे का वैसा कह दिया बिना किसी मिलावट के, और इसीलिए समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। उन्होंने ऐसे शब्दों को चुनाव किया जो नए हो, जिस शब्द में कोई मिलावट ना की गई हो, क्योंकि आत्मा, मोक्ष, परमात्मा ये सभी शब्द समय के साथ मिलावटी हो गए थे। लोगों ने उन शब्दों को जरूरत के हिसाब से अपने मतलब को पूरा करने के लिए ये शब्दों को विक्षिप्त कर दिया था, और वो वक्त था जब बलि प्रथा अपने चरम सीमा पे थी, लोगों में डर इतना डाल दिया गया था कि लोग डर के मारे बोल नहीं पाते थे। कुछ लोगों को ऐसा कहा जाता था कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बहुत ही बुरे थे, इसलिए तुम शूद्र ज्ञाति में जन्म लेते हो और हमारी सेवा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, हम परमात्मा का स्वरूप है, हमारी सेवा से तुम्हारे बुरे कर्म नष्ट होंगे, और भी बहुत डर और अंधश्रद्धा फैलाई जा चुकी थी। यह सब बुद्ध ने देखा और उन्होंने बिल्कुल ही अलग धर्म की आधारशिला रखी, जिसे बुद्ध ने धर्म भी नहीं कहा क्योंकि धर्म शब्द भी विक्षिप्त हो गया था। बुद्ध ने कहा धम्म,
क्योंकि कुछ लोग अपनी बातों की मिलावट न कर पाए। बुद्ध ने मोक्ष की जगह निर्वाण कहा, क्योंकि निर्वाण का अर्थ ही काफ़ी है ये जानने के लिए कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। मोक्ष का खुद का कोई अर्थ नहीं, मोक्ष एक अलग से शब्द बनाया गया है और उसका अर्थ भी बनाया गया था। बुद्ध ने आत्मा शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा अनात्मा, क्योंकि देखो तुम अगर पानी के बबल्स बनाओ तो बबल्स के अंदर भी वही हवा है जो बबल्स के बाहर है, तो तुम यह नहीं कहोगे कि यह बबल्स मेरा है या मेरी हवा है, वह बबल्स उसका है वह उसकी हवा है। कोई मूर्ख ही ऐसी बात करेगा। जो समझ गया है वह तो कहेगा कि सिर्फ हवा ही है, बबल्स रूपी शरीर के कारण हमें अपनी हवा उसकी हवा, मेरी आत्मा उसकी आत्मा ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन सत्य यह नहीं है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा तुम अनात्मा हो। बाकी लोगों ने गॉड, परमात्मा, अल्लाह को धर्म का केंद्र बनाया, स्वर्ग, जन्नत और पैराडाइज को मुख्य केंद्र बनाया, लेकिन बुद्ध ने दुख को धम्म का केंद्र बनाया। सबने पॉजिटिव चीज़ें दिखाकर धर्म की नींव रखी, जबकि बुद्ध ने दुख, एक नेगेटिव चीज़ को धम्म का केंद्र बनाया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डेली मेडिटेशन करें। नमो बुद्धाय माय फ्रेंड्स, दिस इज़ बुद्धा द वे ऑफ लिविंग।